चलिए बच्चों, आप सभी लोगों को हरि शरणम। मैं आज आप लोगों को हिंदी, जो हम लोग की मातृभाषा हम बोलते हैं, हिंदी भाषा को या फिर किसी भी भाषा को कैसे सीखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। मैं हिंदी व्याकरण की ही बात करने नहीं आया, मैं आपको पूरी भाषा, हर एक भाषा को कैसे सीखना या जानना है उस पर बात करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है, तो हम हिंदी भाषा पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। अब गौर से देखिए, हिंदी व्याकरण हमने शीर्षक डाला, इसे हमने दो भागों में बांटा, हिंदी और व्याकरण। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आखिरकार व्याकरण क्या चीज है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी लोगों से कहता हूं जो भाषा में दिलचस्पी रखते हैं, भाषा को सीखने की चाहत रखते हैं, यह वर्ग उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं अपने इस छोटे से वीडियो में पूरे व्याकरण को, पूरे हिंदी भाषा को समेटने का प्रयास किया हूं। जरा गौर से समझिएगा, और ये एक कॉन्सिलेटेड वीडियो है जहां सभी पूरे व्याकरण का एक सारांश आप कह सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले व्याकरण की बात करते हैं, और आप में से उन तमाम लोगों से जो अभी हमारे वीडियोज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आगे शुरू करूं। सबसे पहले व्याकरण क्या है, गौर से देखिए। व्याकरण, व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता जिसमें भाषा को शुद्ध करने वाले नियम बताए गए। जरा गौर से देखिए, भाषा को शुद्ध करने का नियम, किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग तथा विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण अर्थात ग्रामर कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन आवश्यक है। अतः बच्चों, व्याकरण के बगैर हम किसी भी भाषा के बारे में ना तो शुद्ध बोल सकते हैं, ना शुद्ध लिख सकते हैं, ना ही शुद्ध पढ़ सकते। मैं उम्मीद करता हूं व्याकरण किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है किसी भी भाषा के लिए अब आप समझ रहे होंगे। जरा गौर से देखिए, हमने ध्यान से लिखा है व्याकरण के बारे में, तो ये व्याकरण क्या है? भाषा का नियम, वो नियम जिस नियम के तहत शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं आखिरकार हिंदी क्या है। तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। अब आप सोच रहे होंगे, यार भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है। नहीं बाबू, यह भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब आप सोचेंगे राजभाषा क्या होता, मैं उस पर बात कर लूं। पहले राष्ट्रभाषा समझ लीजिए। राष्ट्रभाषा का मतलब हो गया पूरा भारत इस भाषा को, पर ऐसा नहीं है। और विश्व की प्रमुख भाषा क्यों कहा वो जान लीजिए। विश्व में चौथे नंबर पे बाबू यह भाषा बोली जाती है, हिंदी चौथे नंबर पे बोली जाती है सबसे ज्यादा। सन 2001 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में भारत के 42% लोग हिंदी भाषा को ही बोल पाने, इजीली समझ पाने की बात बताए। चलिए, और भी डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा
क्या है, मैं कॉन्सिलेटेड यानी कि एक सारांश के रूप में इस वीडियो को बना रहा हूं। जरा गौर से देखिए। अब राजभाषा क्या है? राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राज्य की प्रयोजनों में प्रयोग होती है। उदाहरण, भारत की राजभाषा हिंदी है केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अब जरा यहां बार बार रिपीट कर रहा हूं, राजभाषा। जैसे आप बंगाल में चले जाएंगे तो बंगाल में ज्यादातर जो राज्य के काम होते हैं वो बांग्ला भाषा में होते हैं। इसी तरह साउथ में चले जाएंगे तो तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सभी भाषाओं में। तो राजभाषा का अर्थ होता है बाबू जो कोई भी राज्य है, जिस किसी भी राज्य में जो भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है प्रमुखता से, उसे ही राजभाषा कहते हैं। या राज्य के प्रयोजनों में जो ऑफिशियल वर्क में जो भाषा लिखी पढ़ी जाती है। आइए, अब आपने गौर नहीं किया होगा, मैं इस पूरे प्रकरण में अक्सर एक शब्द बोलते जा रहा हूं, भाषा, भाषा। अब आखिरकार ये भाषा क्या है? तो जरा गौर से देखिए, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। अब आप इसे अच्छे से समझें, भाषा क्या है? हम आप जो कुछ भी बोलते हैं, सामने वाले उसको अच्छे से समझ ले, इन आपके भावों को सामने वाले व्यक्ति आपके पूर्ण भावों को अच्छे से समझ ले, इन चीजों के लिए हमें कुछ ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बाबू लिपि की सहायता लेनी पड़ती है, और यही ध्वनि सामने वाले व्यक्ति समझ लेते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और भाषाएं बहुत सारी हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो कभी कभी हम आप एक मिनट भाषाएं बहुत सारी हैं कभी कभी आप जब दूसरे राज्य में जाते होंगे तो वहां बांग्ला से, तमिल से, तेलुगु से, मलयालम से, कन्नड़ से इत्यादि भाषाओं से रूबरू होना होता है। ये सभी भाषाएं हैं जो वहां के लोगों के द्वारा अपनी अपनी मन की बातों को दूसरों को बताने का साधन है। इन तमाम भाषाओं में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है? वैचारिक आदान प्रदान का जो माध्यम है उसे ही हम भाषा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे स्पष्ट तौर पर समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, लिपि। अभी पिछले सेंटेंस में हमने यूज किया लिपि। लिपि क्या है? लिपि या लेखन प्रणाली का वो अर्थ है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता किसी भी भाषा की लिखावट को लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता वह लिपि कहलाती। ध्यान से, हम आप जिस किसी भी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, उन तमाम ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ हमें सिंबल्स की, चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं चिन्हों को समझने के लिए बाबू उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या होता? लेखन का अर्थ होता किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। अब हम बात कर रहे हैं लिपि आखिरकार होती कितनी प्रकार की, तो मुख्यतः इसे तीन प्रकार में बांटी गई है, लेकिन 12 प्रकार की लिपियां होती है। 12 प्रकार की लिपियां होती है, लेकिन इसे सॉर्ट करके, कॉन्सिलेटेड करके एक मुख्यतः के रूप में लिपियों को मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है। इन मुख्य प्रकार से बांटी गई लिपियों में है चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि और फोनिशियन।
चित्रलिपि चीन, जापान, कोरिया में प्रयुक्त होती। ब्राह्मी लिपि देवनागरी तथा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयुक्त लिपियां हैं। और फोनिशियन में लिपियां जो होती है, यह यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका में युक्त होने वाली है। अब यहां मैं आपसे स्पष्ट तौर पर बता दूं, मैं इन ना तो चित्रलिपि पे चर्चा कर रहा हूं ना फोनिशियन पे, मैं सिर्फ और सिर्फ देवनागरी के ऊपर बात करूंगा। आखिरकार अब देवनागरी क्या है, जरा गौर से देखिए, देवनागरी लिपि क्या है। देवनागरी लिपि भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसके सिरो रेखा कहते हैं, अर्थात हम कुछ भी लिखते हैं तो जरा गौर से देख लीजिए, इसके ऊपर एक रेखा खींचते हैं और यह जो रेखा खींची जाती है इसी रेखा को सिरो रेखा कहते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोंगरी, खास नेपाल भाषा यानी कि नेपाली भाषा, तमांग भाषा, गढ़वाली, वोडो, अंगिका, मगी, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी, वगैली, ये सभी स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। और मैं आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं, एक ही बोली को हम अलग अलग लिपि में भी लिख सकते हैं और एक लिपि को अलग अलग भाषाओं में भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं शब्द क्या है। एक या एक से अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई ही शब्द कहलाते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं शब्द पे, लेकिन इस शब्द के डिफिनेशन में वर्ण भी आ रहा है तो हम वर्ण पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं शब्द क्या है। तो शब्द एक या एक से अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, हम अब बोल देते हैं ना, ना का मतलब क्या है, नहीं, वह का मतलब और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, ये शब्द अनेक वर्णों से बने हुए शब्द हैं। और भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक से ज्यादा शब्द मिलकर पद बनाते हैं और पद मिलकर वाक्य बनते हैं। यहां ध्यान से समझिए, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर पद बनते हैं, और पद से मिलकर वाक्य बनते हैं। शब्द और पद वाक्य में जब होते हैं तो दोनों एक ही होते हैं। जरा हम आगे आपको इस पे विशेष चर्चा करके दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए, वर्ण के मेल से अक्षर बनते हैं और अक्षरों के मेल से शब्द और पदों के मेल से वाक्य, शब्द के मेल से पद। इसे हमने अंडर ब्रैकेट किया, उसका रीजन जानिए, क्योंकि जब हमारे बहुत सारे शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो वहां जो शब्द हैं वो शब्द नहीं होकर पद कहलाते हैं। जैसे यहां देखिए, सोहन गुरुकुल जाता है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में सोहन गुरुकुल जाना ये सब शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो यहां सोहन पद है, गुरुकुल पद, जाता पद, सब पद। अब सवाल उठता है, जो आखिरकार वर्ण के मेल से अक्षर बनते हैं तो अब ये अक्षर क्या है, आखिरकार अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम अक्षर पे बात कर रहे हैं और गौर से समझिए, वर्ण के मेल से अक्षर, अक्षर के मेल से शब्द और शब्द के मेल से पद या पदों के मेल से वाक्य। इस चीज को बाबू बहुत अच्छे से समझिए, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर अ जोरक्षर। जरा गौर से देखिए, जो नाश न हो, जिसका नाश न हो बाबू, उसे ही अक्षर कहते हैं। जैसे रामायण, रामायण शब्द में चार अक्षर हैं, रामायण,
ये चार अक्षर का शब्द है, लेकिन जब हम वर्ण पे बात करें तो गौर से देखो, र आ म आ य आ न आ, और इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। बच्चों सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है किसी भी भाषा को समझने के लिए आपको ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब आगे देखिए, एक अक्षर के शब्द आ, दो अक्षर के शब्द प्रेम उर्दू, तीन अक्षर के शब्द पहल, चार अक्षर के शब्द आधुनिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अक्षर वर्णों से बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्द ही कभी पद होता है और पद ही शब्द होता है, और शब्दों से मिलकर पद या शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, इसे भूलिएगा मत। अब आइए, अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ण क्या है। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इसका उच्चारण प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 2 भेद किए गए हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, लिखने के लिए बाबू 52 वर्ण है और पढ़ने के लिए बोलने के लिए 42 है। इस पे ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अरे यार ये कहाँ से आ गया। 52 लिखने के आधार पर, 42 बोलने के आधार पर। आ जाइए, अब वर्ण के जो भेद है वो 2 प्रकार से बांटे गए, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के समय ही दृष्टि से स्पष्ट स्वर के 4 भेद किए गए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और फ्लुत स्वर। ये सब स्वर के भेद हैं। अब आगे देखिए, मैं सभी चीजों को कॉन्सिलेटेड रूप में दिखा रहा हूं, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब जरा गौर से देखिए, मैंने यहां लिख दिया, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, इनमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे जरा ध्यान दीजिए, अब सवाल उठता है स्वर क्या है। स्वर क्या है? तो जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। मैं इससे पहले के स्लाइड में भी मैंने दिखाया आपको, जो हमें 52 वर्ण होते हैं लिखने के लिए लेखन के आधार पे, और 45 वर्ण होते हैं बोलने के आधार पे। इसी प्रकार स्वर की बात करें हम, तो स्वर भी लिखने के लिए बाबू 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण के दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। और उच्चारण के आधार पे ये सारे चीज स्वर हैं, और लेखन के आधार पे ये स्वर है। तो जरा गौर से देख लीजिए, ये उच्चारण के आधार पे स्वर है और ये लेखन के आधार पे स्वर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन है। ये क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत्यस्थ संयुक्त व्यंजन, और यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अभी जो मैं आपके सामने में लिख रहा हूं, ये सारा का सारा किस भाषा में लिखा गया है? देवनागरी। अब आ जाइए शब्दों के भेद, जो मुख्य बात है, यही आपको मैं ग्रामर के दृष्टिकोण से कह सकता हूं बहुत ही मुख्य है। शब्द के भेद मुख्यतः 4 प्रकार से बांटे गए हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर,
उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट, बनावट के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। पूरा जो हमारा भाषा है हिंदी, हिंदी भाषा के जितने भी शब्द हैं वह इन्हीं चार भागों में बांटे गए हैं। चार भागों में नहीं, चार विचारों से भागों में बांटे गए हैं। ये विचार हैं, ये चार विचारों से बांटे गए हैं, बनावट के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। अब हम इस पे ध्यान देते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे यानी कि बनावट के आधार पे शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, रूट, यौगिक तथा योग रूट। मैं इन सब चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सलेटेड एक सारांश के रूप में दिखा रहा हूं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप किसी भी साइड बुक को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। रूट, रूट शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं हो, वे रूट कहलाते हैं। जैसे नाक, नाक शब्द को अगर हम अलग अलग कर दें, ना और का, अब ये दो अलग अलग अक्षर हो। अब जरा गौर से देख लीजिए, ना तो ना और क, कोई अर्थ नहीं आ रहा, तो जिस शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं हो वो कैसे होते हैं? रूट शब्द होते हैं। उसी तरह कान का है कान, ठीक है। आगे देखिए, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? तो जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे आग बबूला, पीला बन, दूध वाला, घुड़सवार, दो शब्दों के या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना पड़ा है उसे कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक। और प्रत्येक शब्द के दो खंड होते हैं और दोनों के सार्थक मीनिंग भी होते हैं। रूट शब्द के मीनिंग नहीं होते हैं और यौगिक शब्द के मीनिंग होते हैं। अब योग रूट शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे एक यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे योग रूट कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज। अब दशानन हम किसी को नहीं कह सकते हैं, दशानन एक ही थे, लंबोदर एक ही है। जो गणेश जी, दशानन, रावण, अब आप समझ रहे होंगे योग रूट शब्द किसे कहते हैं। आ जाइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के लिए पहले हमने सीखा बनावट के आधार पे, अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के लिए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब इन शब्दों के लिस्ट बहुत ही बड़े होते हैं, तो मैं बस सारांश के रूप में बता दूं आपको तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द किसे कहते हैं। जरा गौर कीजिएगा, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, ऊपर, रात्रि, सूर्य। कहने का अर्थ बाबू, हिंदी जो हमारी भाषा है, इस हिंदी भाषा में बहुत बहुत सारे शब्द होते हैं और वह भाषा उतना ही धनी है जिस भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं। हम हिंदी भाषा में जैसे पर्यायवाची शब्द भी पढ़ते, अर्थात क्या, एक ही चीज को बोलने के लिए अलग अलग शब्द। तो बहुत सारे शब्द होने की वजह से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई, कहीं से लाए गए हैं। तो ये कहाँ कहाँ से है, तो संस्कृत भाषा से भी है। तो यही चीज है, जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि से बदल के हो गया, खेत, क्षेत्र से बदल के हो गया,
रात और रात्रि से बदल के हो गया। इसी तरह से और भी, और इन तमाम शब्दों के लिस्ट बहुत लंबे हैं, आप चाहें तो किसी साइड बुक में देख सकते हैं। देशज, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, बहुत सारे शब्द। विदेशज, ऐसी बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमने विदेशों से कॉपियां की हैं, तो विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं, जैसे हम आप विद्यालय के जगह स्कूल ही अब कहते हैं। आम, कैंची, अचार, अनार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, स्टेशन एंड सो ऑन सो ऑन। अब देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट बना दिया हूँ विदेश, अंग्रेजी से हमने जो एडॉप्ट किया, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, फारसी से जो कॉपी किया है, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकानदार, अरबी से औलाद, अमीर, कत्ल, कम, कलम, तुर्की से कैंची, चाकू, तोप, पुर्तगाली से अचार, आल्पिन, कारतूस, फ्रांसीसी से पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, चीनी से तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये सब जो हमने कॉपी की है उनके छोटे से लिस्ट है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, मैं बार बार कह रहा हूं ये कॉन्सिलेटेड है सारांश के रूप में। आगे देखिए, अब प्रयोग के आधार पे शब्दों को हमने दो भागों में बांटा है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पे दो भागों में, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक, ये प्रयोग के आधार पर बांटे गए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो संज्ञा किसे, सर्वनाम किसे एंड सो ऑन। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जो लास्ट पार्ट है। अर्थ के आधार पर शब्द के बहुत सारे भेद हैं, पर्यायवाची, विप्रार्थक शब्द, समरूप भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थ प्रतीक होने वाले शब्द, ये सब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। इन सबों के बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। और हिंदी के व्याकरण के रूप में ये जो अभी आपने देखा, ये पूरा कॉन्सिलेटेड पार्ट है, जो मैं हमेशा कहूँगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको इस तरह से ही काम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे भाषा देखते हैं तो यकीन मानिए बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और मैं बस एक छोटा सा बात कह सकता हूँ आप सभी लोगों से, किसी भी परिस्थिति में अगर आप भाषा को ऐसे पार्ट वाइज पार्ट करके पढ़ते हैं, और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी विषय में भी इसी प्रकार अगर आप रुचि लेके क्यों कैसे करके पढ़ रहे होते हैं, तो यकीन मानिए बाबू आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ऐसे ही पढ़िए, मेरी एक छोटी सी कामना है जो आप सब लोग बहुत अच्छे पढ़े और जहाँ कहीं भी रहे बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हरी शरणम।